हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एआर के क्रिस्टलाइज। और हाँ, एपिसोड थोड़ा ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ, सॉरी फॉर द शॉक। तो मैं यहाँ पे एक हाई लेवल रैप्टर टीम कर रहा हूँ। मेरे को एक मस्त वाला फीमेल रैप्टर मिला था जो मैं घर पे रखा हुआ है, और वो थोड़ा पर्पलिश कलर की, इसको हटा देता हूँ, वो पर्पलिश कलर की है थोड़ी। और तो उसका कुछ 200 लेवल हो गया है आफ्टर टीम, तो मैंने यहाँ पे एक सोचा कि मेल वाला रैप्टर पकड़ लूँ, तभी ना दोनों को ब्रीड करूँगा तो एक अच्छा खासा लेवल का रैप्टर आ जाएगा जिसको मैं इम्प्रिंट कर सकता हूँ। सो और बाय द वे, मैंने एक मैं डेजर्ट गया था मेटल लाने, और मेरे को वहाँ पे एक जर्बोआ दिखा, तो मैंने इसको पकड़ लिया। और ये कुछ ऐसा दिखता है, इसका नाम क्या रखूँ मैं सोच रहा हूँ। ये थोड़ा रेडिश टाइप का है, तो पता नहीं यार, सोचना पड़ेगा। और ये जनाब जरा जल्दी टीम होंगे। देखो मैं थोड़ा सा क्रिस्टल लेके आया हूँ, मेरे पास वो बॉल्स खत्म हो गए हैं जो सोल बॉल्स होते हैं ना। क्या क्रिस्टल है इस मैप पे, तो क्रिस्टल की परवाह ही नहीं पड़ती। लेट्स सी अगर हमें अच्छा सा, ओ लॉल, वो हो गया टीम। ये 209 का हो गया है, वो भी शायद 210 की समथिंग होगी। तो मैं यहाँ पे सोल बॉल बना लेता हूँ, एक 7। और एक बहुत बड़ा अपडेट देना है तुम लोग को। मैं कुछ टाइम तक से, आज सुबह से सो ज़्यादा एआर के खेल रहा हूँ और बहुत ज़्यादा काम कर लिया। तुम लोग को दिखाता वो क्या सरप्राइज है। और ये हम लोग चले, यप्पी। सो मैं यहाँ पे थोड़ा मेटल्स लेने आया था जब मेरे को एक हाई लेवल रैप्टर दिख गया। सो मेटल्स को कैसे छोड़ सकते हैं, मेटल्स लेके ही चलते। मैं कुछ, अरे यार ये ना हो, बस। यार ये कीड़े मकोड़े कितने परेशान। बैठ जा भाई, बैठ जा। तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी मेटल लेके निकलता हूँ उधर से। कितने हो गए मेटल? अबे और क्या, यार ये कितना परेशान करती है मक्खरिया। चल भाई, और या मैंने अपना घर का लोकेशन चेंज कर लिया है फाइनली, मेरे को एक अच्छा सा स्पॉट मिल गया। और वही है सरप्राइज, और तुम लोग को दिखाता वो क्या सरप्राइज है। चलो ऑलमोस्ट पहुंचने वाले, यहाँ पे मेरे एक रेक्स भी घूम रहा है, 150 लेवल समथिंग का है। तो आई होप वो मेरे घर के पास ना है। लेट्स सी, तो थोड़ी देर में तुम लोग को दिख जाएगा, येलो दिख गया ओरा, मेरा नया घर। सो मैं सोचा हुआ एक वो स्टार्टर हाउस बनाऊंगा, तो उसके लिए मैं अभी मटेरियल्स कलेक्ट कर ही रहा हूँ। और मैंने यहाँ पे वॉल्स से पूरा कवर अप कर दिया है ताकि कोई डाइनो आके डिस्टर्ब ना करे। और अगर तुम लोग सोच रही हो कौन सा वॉल है, तो मैं तुम लोग को दिखाऊं, पहले पानी पी लेता हूँ उसको। हाँ, तो मैंने एक मॉड डाला था जिसका नाम है, मेरे को दिखाता हूँ क्या है, ये रहा इकोस गार्डन डेकोर क्राफ्टिंग टेबल, कुछ नाम है इसका।
और इसमें तुम ना बेसिकली ये बना सकते हो, ये कुछ फाउंडेशन टाइप का रहता है, फेंसेस बना सकते हो, वॉल्स एंड स्टफ। तो मैंने इसमें से ये बना लिया था स्टोन वॉल्स, इसमें 100 स्टोन्स लगती है और मैंने इसको पूरा कवर अप कर दिया है। तो या और अभी के लिए हम लोग यही पर रहने घर। और ये रहा हमारा, देखो पहला रैप्टर मैंने बोला था ना, ये एक्चुअली अभी इवेंट आया है, मेरे को लगता है उसी के लिए ये रैप्टर का ये कलर कुछ ऐसा। और एक टेक रैप्टर भी था इसके साथ, तो मैंने वो भी पकड़ लिया। तो मैंने अभी अभी जिसको पकड़ा है उसको और इसको इम्प्रिंट करना चाहता हूँ, देखता हूँ कैसा होता है दोनों, मतलब बेबी कैसा आता है दोनों का। मैं टेक रैप इसकी सैडल निकाल लेता हूँ बिकॉज मैं इसको यूज़ करने वाला नहीं हूँ। मैं टेक रैप्टर का पकड़ रहा हूँ इसलिए ताकि मैं इसकी ब्रीडिंग कर सकूँ और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक फार्म बन जाए। तो एक बन अभी, और बाय द वे हम लोग आज मोर लैपटॉप स्टेम करने जाने वाले हैं, तो मेरे पास नार्कोटिक्स तो होंगे नहीं, होंगे तो मेरे को पुराने वाले घर से लेके आना पड़ेगा। और भाई देखो, अगर तुम लोग सोच रहे होगे कि ये लोकेशन कौन सा है, तो ये देखो मैप में दिखा देता हूँ, ये है कुछ 60 और 37 के आसपास आई गेस। हाँ ऐसा ही कुछ है। मैं मेटल्स लेने आया था तो तभी मेरे को ये जगह मिला, और मेरे को पर्सनली बहुत सुंदर लग रहा था बिकॉज यहाँ से थोड़ा आगे जाके स्वाम्प है, इधर डेजर्ट है, और आगे जाके मैग्मा बायोम भी है जो वॉल्केनो के आसपास रहता है। और ये इतना भारी क्यों हो रहा है? अच्छा मेटल है। और मैंने यहाँ पे अपना जो पुराना मेटल था उसको भी स्मृति में डाल दिया, अरे यार ये कुछ दिख नहीं, डाल दिया है, हो रहा है, मैं इसको भी डाल देता हूँ। हमारे पास पहले से 3 नहीं कुछ थोड़े 100 मेटल्स होंगे आई गेस। हाँ मैं देख लेता हूँ मेरे पास नार्को है क्या। एक मोर लैपटॉप स्टीम करने का मन कर रहा है मेरा, और मेरे को दिख नहीं रहा तो शायद से मैंने लाया नहीं है। तो मैं जाता हूँ अपने पुराने वाले घर पे लेके आता हूँ और मिलते। ओके गाइस, हमें एक अच्छा सा मोलोटॉप्स दिख गया है जो कि कुछ लेवल 90 के आसपास का था, और बट उसके हेल्थ बहुत कम है बिकॉज यहाँ पे रैप्टर्स थे बहुत ज़्यादा। सो वो इस साइड ये रहा 90 का है, 85 का है, 90 का भी था ना एक। तो मेरे को दो पकड़ना है, एक मेल और एक फीमेल, ताकि थोड़ी ब्रीडिंग कर सके कलर में। अभी वो नया नया एक इवेंट भी आया है ना कलर वाला, जिसमें बंदे अभी कलरिंग आएंगे, तो इसलिए मेरे को थोड़े से कलर म्यूटेशन मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अच्छा तो मैं जल्दी से रैप्टर्स से निपट लेता हूँ, अरे यार ध्यान नहीं दिया। मैं शार्को का यूज करता हूँ अभी, क्या हुआ? हेलो, शार्को हमारा इकलौता बंदा है जो अभी 100 का डैमेज दे देता है, सो इसलिए उसी को लेकर रैप्टर टीम करने जाता हूँ, मैं रैप्टर मरवाने जाता हूँ मैं। हाँ डेजर्ट में एक बहुत बड़ा घटिया कॉम्बिनेशन है, बट या दिस इज इट। और हमें डेजर्ट में गर्मी लग रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उस 80 वाले को ही पकड़ लूँ या किसी दूसरे को पकड़। लेट्स सी, यहाँ पे बहुत सारे मोला टॉप्स है तो मैं थोड़ा उड़ के देख लेता हूँ। ये बंदा 20 का है पर इसका कलर अच्छा है, और मैं कलर वाले ही लूंगा, प्लेन वाले ये 150 का है, ये मैक्स लेवल का है भाई। और इसका नहीं यार ये मारेगा, मेरे को कलर वाले चाहिए, लेवल से उतना फर्क नहीं पड़ता।
ये 95 का और इज इट कलर्ड? नो इट्स नॉट। हमें को डेजर्ट में ठंड लग रही है। वाओ अभी रात भी नहीं हो रही है फिर। सो मैं ट्राई करता हूँ सिस्टी वाले को ही पकड़ लूँ यार, बट ये अभी इसको हील होने देता हूँ वरना दिक्कत हो जाएगी। ये मेल है और ये फीमेल है, तो मेरे को दो पकड़ना है ऐसे भी। सो मैं एक इसको पकड़ने का कोशिश करता हूँ और मैं इसके बॉडी पे मारने वाला हूँ। ये ट्रैप्ड हो गया, ये अच्छी बात है बिकॉज फिर ना ये भागने लग जाते हैं। और उधर एक पैको आ रहा है, काश मेरे को ना देखे भाई। भाई कितने डार्ट्स लेगा, आई मीन एरोस लेगा। हो जा, ऑलमोस्ट हो गया, ये गिरने ही वाला है। ओह शिट यार, मैं इसके गिरने के बाद फिर आई होप इससे टेम। हाँ 82 टू, बट कोई नहीं भाई, एरोस वापस देगा। सारे स्टोन के मिलते हैं बट स्टिल। और मेरे को अपने नार्कोबेरीज मिले नहीं तो मैं उनके बिना ही आ गया। आई होप ये जल्दी जल्दी खा के टीम हो जाए। ये कुछ 8 लेने वाला है बोल रहा है, सो देखते हैं फिर। मैंने टेमिंग स्टेट बढ़ा के रखी है, सो मैं इसको भी कर ही लेता हूँ यार, कितने हिट्स लेगा। अरे यार ये कितने मिस करवाता है। पेट्रो पेट्रो किधर गया? ये रहा। भाई ये कहाँ चला जाता है भाग के? उधर मत जाइए बस। यार नहीं हो रहा यार, बहुत भगाता है ये। वो वाला ट्रैप था इसलिए। और ऊपर से झाड़िया, जल्दी
ओ भाई फाइनली हो गया। ओ शिट सांप आ रहा है। अरे यार शेट 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 मेरा जड़ हो गया, मेरा जड़ हो गया। यार मार देगा मेरे को यार, शेट मेरा जड़ मर जाएगा। मैं गया, फक यार, अब मेरे को भागते भागते आना पड़ेगा इधर। खैर पास में तो दिक्कत नहीं होगी। और आई होप मेरा जरूर ना मरा हो। अरे मेरे पास क्रॉक है यार, मेरे को क्रॉक को निकाल लेना चाहिए। चलो अब मेरे को एक ही ले जाना पड़ेगा। कहाँ मरा था? कुछ इस साइड। पुराने घर के पास ही मैं था, मैं सो आई गेस उधर ही होना चाहिए। मेरा जड़बो ना मरो, मैं एक बार देख लो इधर देखता है ना। हाँ जड़बो को मार दिया यार, कोई ना एक और पर पकड़ लेंगे। खैर जड़ुआ की तो ऐसे भी लेवल 1 ही रहती है और वो बढ़ती नहीं है। और मेरे कपड़े भी तोड़ दिए। अब मैं घर जाके ना मेटल के कपड़े बनाने वाला हूँ। लाइफ इज हार्ड। हो रहा मैं यहीं पे मरा था, बस सैडली उस मोलोटोव्स को मार दिया यार। मेरे को एक और पकड़ना पड़ेगा। इसको खाना दे दो यार, इसके पास खाना दे। सो मैं उसको क्रायो, अगर वो जो वाला था ना जो उसको मैं टेम कर लिया था, वो टेम हो गया होगा तो मैं मेरे जड़ुआ को नहीं मारना चाहिए था। खैर छोड़ो अब क्या ही कर सकते। मेरा पेट्रो किधर है? उसको ढूंढता होगा। यार इस मैप पर जरा झाड़िया हुए। अरे को मोलाटॉप्स दिख रहा है और हमारा पेट्रो होता है आई गेस। वो पेट्रो है ना तो मोलाटॉप्स है। मैं इसका क्रायोपॉड करता हूँ। और निकलते हैं जैसे। अब बस मेरे को अपना पेट्रोल ढूंढना पड़ेगा। किधर है किधर है किधर है किधर है? उसको मैंने रॉक के आसपास ही छोड़ा था यार। मुझे कोई ऐसा मॉड डालना पड़ेगा जो डायनासोर की लोकेशन बता दे। मैं गया तो उस साइड था और फिर नहीं, वो मरा तो है नहीं, मरा होता तो दिखा देता। जिंदा है वो, पर किधर है?
Ahora. मैंने मोलाटॉप्स तो पकड़ लिया है, तो या वी कैन गो होम आई गेस। घर जाके मिलता हूँ आपसे, ठीक है? ओके गाइस, मैं घर पहुंच गया फाइनली। और तुम लोग सोच रहे हो कि मैं कैसे आया, मैं फास्ट ट्रैवल करके आया हूँ। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बिकॉज घर बहुत दूर था। सो मेरे तो कपड़े जो थे वो हाइड के थे, मे बी आई गेस, नहीं पता नहीं, किसी के तो थे। या फाइबर के थे, जो कि फेंकने के टाइम आ गए। अब मैं मेटल के बना पाऊंगा फाइनली, तो बना लेते हैं। और मैंने एक और मॉड डाला, ठीक है, जो कि है वनीला ऐसे कुछ, मतलब आर्मर बोल के, जिसमें से क्या होता है ना, तुम जो डेजर्ट वाले कपड़े हो बेसिकली, वो तुम्हारे स्किन बन जाते हैं और तुम किसी भी कपड़े पे उड़ा सकते हो। सो मेरे को पर्सनली ये ज़्यादा सही लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि लगा देता हूँ। पैंट का गई, अरे मैं पैंट निकालना भूल गया। मेटल खत्म हो गई कि वुड खत्म हो गई, कौन सा? वो खत्म हो गया ना, मैं लेके आता हूँ। अरे यार कहाँ डाल रहा हूँ मैं भी ना पागल हो गया। अब लग रहा हूँ ना मस्त डेजर्ट असासन। अच्छा तो मैंने अपना मैं मोलाटॉप्स को ट्राई नहीं किया, उसको ट्राई आउट करते हैं। ये हो गया है कुछ 134 लेवल का, भाई सही है। और इसके सैडल बनाने के लिए मेरे को बोला गया कि एब्रेशन वाले में जाना पड़ेगा। आई मीन वो सॉरी एब्रेशन नहीं, स्कॉच है, बिकॉज वो है ना। अच्छा ये रहा, आई गेस मेरे पास सारे सामान होंगे। और यही है ना, वुड नहीं है, चलो कोई नहीं, वुड तो अंदर ही घूम जाती है। ओ सॉरी, वो बोला है। और ये हमारी मोलाटॉफ सैडल बन गई फाइनली। एक मोलाटॉफ टीम कर गया, मैंने स्कॉच एट खेला नहीं था, तो मेरे को लगा था स्कॉच एट वाले क्रिएचर्स को हम लोग पकड़ नहीं पाएंगे कभी, बट या थैंक्स टू दिस फ्री मैप्स। यार इसका वाटर कुछ 291 दिखा रहा है, ये क्या वाटर स्टोर करता है अपने अंदर? ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, मस्त वाली कलेक्ट करता है। ओ भाई क्या अटैक है, और एक्स से कुछ करता है, सी से नहीं, सी से कोई अटैक नहीं है। इसका अटैक कितना है वो देखने के लिए मेरे को इसको बाहर लेके जाना पड़ेगा, एंड फॉर द बेरीज मैं इसको जाके हाइट। यार डर जाता हूँ मैं कभी कभी। रख लो और मैं सोच अभी इनकी ब्रीडिंग भी स्टार्ट करूंगा। इसी एपिसोड में तुम लोग को रैप्टर ब्रीडिंग और इम्प्रिंटिंग भी दिख जाएगा, क्योंकि दोनों हाई लेवल के हैं, तो अंडे भी हाई लेवल के ही आने चाहिए। मैं बाहर जाके बस एक बार टेस्ट आउट करता हूँ कि कैसा है ये। अरे
भाई 87 डैमेज इज नॉट बैड। क्या ये वुड कलेक्ट करता है और थैच? अच्छा थैच कलेक्ट करे भाई, जाने दे। हाँ भाई ना भी। और इसका वाटर वाला फंक्शन क्या रहता है? ओ भाई इसके 8 लेवल बढ़ गई। मैं इसका हेल्थ में लगा रहा और मेला डैमेज में ही लगा देता और मूवमेंट स्पीड पे थोड़ा। आई मीन ये अपना कलेक्टर ही तो होने वाला है। अच्छा तो ऐसे वाटर स्टोर कर लेता है जब बोर्ड तेरा। पिराना यार डर गया था मेरे। वैसे इसकी हेल्थ तो ज्यादा चाहिए भाई। इस पर बैठ के मस्त एकदम ऐसे 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 फोटो निकाल। रुको रुको ऐसे ऐसे और ये मोरला टॉप्स भाई मस्त है यार। इसको टीम करना वर्थ इट था। चलो इसको अभी तो मैं घर में रख देता हूँ क्योंकि अभी सॉरी माय बैड। अरे यार ये निकलते क्यों नहीं? और ये थैच और वुड ले लेता हूँ बिकॉज अभी अभी सारा थैच और वुड डाल लेता हूँ और फायर